नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, जेपी नड्डा बिहार पहुंच चुके हैं और बिहार पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही बीजेपी की तरफ से भव्य स्वागत किया गया है जेपी नड्डा का। सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, आपको बता दें कि जेपी नड्डा एयरपोर्ट से बापू सभागार के लिए निकले हैं और बापू सभागार तक पहुंचने के रास्ते में कई जगहों पर बीजेपी की तरफ से भव्य स्वागत की तैयारी है जेपी नड्डा की। वहीं आपको बता दें कि बापू सभागार में कई कार्यक्रम होने हैं और कार्यक्रमों के बाद जेपी नड्डा जो हैं वो एक बैठक भी करेंगे। सभी विधायकों के साथ में कोर कमेटी बैठक की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो तैयारियां हैं, जोरों शोरों से जो तैयारियां की जा रही है खासकर बीजेपी के तरफ से, उसी तैयारियों को लेकर के एक और ये कह सकते हैं कि ये बैठक जो है वो की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जो है जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियों में लगी है, ऐसे में अमित शाह भी बेहद जल्द जो है बिहार पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जेपी नड्डा जो अब बिहार आ चुके हैं वो फिलहाल बापू सभागार के लिए निकले हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सम्राट चौधरी है और बापू सभागार के लिए ये तस्वीर देखिए, अभिवादन कर रहे हैं, दोनों मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से अब उनका काफिला जो है निकल रहा है और किस तरीके से सभागार में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी में बीजेपी बहुत दिनों से लगी हुई थी। और देखिए कैलाश पति मिश्र की जयंती समारोह में अब शिरकत करने के लिए जेपी नड्डा आ गए हैं। देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा है, क्या देखिए 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 जेपी नड्डा है सम्राट चौधरी है और सभागार के लिए ये तस्वीर देखिए, अभिवादन कर रहे हैं। आपने तस्वीर देखी किस तरीके से एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद भव्य स्वागत हुआ है। उनका काफिला जो है वो अब बापू सभागार के लिए निकल चुका है। इसे लेकर के जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।